टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी सेजवान तड़का। इसके पहले की वीडियो में मैंने सेजवान चटनी बनाया था और उसका लिंक मैंने शेयर किया है। आज मैं बनाऊंगी सेजवान तड़का जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सेजवान तड़का। मैंने कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें हम वेजिटेबल ऑयल डालेंगे, 4 बड़े चम्मच मैंने तेल डाला है। तेल गरम हो गया है, अब इसमें मैं ये अदरक मैंने कद्दूकस कर लिया है इसे डाल दूंगी। थोड़ा सा पका लेंगे इसे हम। अब इसमें मैंने लहसुन को अभी क्रश कर लिया है इसे भी डाल दूंगी। 2 चम्मच अदरक डाला है हमने, 2 चम्मच लहसुन। अब दोनों को हम अच्छे से पका लेंगे। अदरक और लहसुन हो गया है, अब इसमें मैं हरा प्याज का जो व्हाइट वाला भाग है उसे डाल दूंगी। और इसी के साथ वो जो धनिया होता है उसका जो डंठी होता है उसे मैंने काट लिया है। आप इसके जगह पे शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। एक गाजर है, पीला वाला गाजर, इसे मैंने बारीक काट लिया है, इसे भी डाल दूंगी। अब इन सबको हम थोड़ा सा पका लेंगे अच्छे से। पांच मिनट तक इसे लगेगा पकने में। ये हो गया है, अब हरा प्याज का जो हरा वाला भाग है उसे डाल दूंगी। इसी के साथ नमक भी डाल देंगे 1 चम्मच। ये हो गया है, अब इस मिर्ची को, इस सूखी लाल मिर्च को मैंने विनेगर में 12 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। फिर इसे मैंने कढ़ाई में पका के ठंडा करके इसका पेस्ट बना लिया। अब इसे मैं डाल दूंगी इसके अंदर। थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। एक चम्मच के करीब चीनी डाल दूंगी, चीनी से इसका कलर अच्छा होता है। अब इसे थोड़ा सा हम हल्का सा पका लेंगे। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच केचप डाल दूंगी। थोड़ा सा 1/2 चम्मच के करीब चाट मसाला। अब इसे 1 मिनट हम और पकाएंगे, इसके बाद हमारा सेजवान तड़का बनकर तैयार हो जाएगा। हमारा सेजवान तड़का बनकर तैयार हो गया है। गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। देखिए बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी लग रहा है। आप जब भी कोई चाइनीज रेसिपी बनाइए और इसे डाल के आप जरूर खाइए, बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी लगता है। आप इसे ठंडा होने के बाद किसी कांच के जार में भर के फ्रिज में रख सकते हैं, 1 महीना तक ये खराब नहीं होगा। यदि आपको ये मेरे सेजवान तड़का बनाने का तरीका यदि अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल